नमस्कार, मैं पिंकी राघव। मसाला डिलाइट में आप सभी का स्वागत है। इस केक को देखकर लग रहा है ना कि बेकरी से लाया हुआ है। एकदम सॉफ्ट व स्पॉन्जी। इस तरह का केक हम घर पर बड़ी आसानी से बिना ओवन के बना सकते हैं। इस केक को हम कुछ टिप्स के साथ बनाएंगे, वो भी कढ़ाई में। तो आइए बनाना शुरू करते हैं वनीला केक को। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दें। बेल आइकन दबा देने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। आज हम बनाएंगे वनीला ग्लेस केक। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है, आज मैं कढ़ाई में दिखाऊंगी आपको। तो इसमें मैं रख रही हूँ रिंग। अगर आपके पास में रिंग नहीं है तो कोई बात नहीं, इस तरीके की कटोरी होती है, इसको भी आप उल्टा करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रिंग रख दी है। अब इसमें ही मैं यूज किया हुआ, कई बार मैंने यूज किया है बेकिंग में, तो ये नमक डाल दूंगी। नमक डालने से ये होता है कि ये चारों तरफ हीट अच्छे से कवर करता है और प्री हीट बहुत अच्छे से हो जाता है ये। तो नमक डालना जरूरी है, अगर आपको अच्छा केक चाहिए तो नमक जरूर डालें। तो इसको मैंने स्लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए प्री हीट के लिए छोड़ दिया। आज मैं केक बना रही हूँ एक पतीली में। इस तरीके की पतीली ली है मैंने, ये सभी के घरों में मौजूद होती है, इसलिए मैं इसी में बता रही हूँ। अगर आपके पास में बटर पेपर नहीं है तो इसमें हम मैदा डस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसे ग्रीस करेंगे। थोड़ा सा बटर या घी लगाएंगे और इसे हम चारों तरफ से अच्छे से ग्रीस करना है हमें। यहाँ पर मैंने बटर से इसे ग्रीस कर दिया है अच्छे से। अब इसमें हम थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे, चारों तरफ डस्ट करना है और जो एक्स्ट्रा मैदा होगा उसे बाहर निकाल देना है। आज मैं केक जो बता रही हूँ वो घर के ही सारे सामान होते हैं उससे, और बहुत अच्छा केक बन के तैयार होगा। हर सामान होता है हमारे घर में, हम बड़े इजी तरीके से केक तैयार कर सकते हैं। ये हर जगह से मैंने इसको मैदा को डस्ट कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा मैदा है वो हम इसे निकाल देंगे इस तरीके से। ये हमारा तैयार हो गया है। अच्छा, अब हमें केक का बैटर तैयार करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक छलनी ले रही हूँ जिससे हमें सारी चीज़ें छाननी है। और जो चीज़ मैं बता रही हूँ उस हिसाब से ही आप लेंगे, मेजरमेंट सही होगा तो केक बहुत अच्छा बनेगा। तो किसी भी कप को ले लीजिए चाहे तो, अगर आपके पास में मेजर कप नहीं है तो साधारण कप भी ले सकते हैं। तो एक कप मैंने ये मैदा ले लिया है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ इस तरीके की टीस्पून जो हर घर में मौजूद होती है। तो ये हमें एक चम्मच लेना है बेकिंग पाउडर, ये इस तरीके का बेकिंग पाउडर होता है, ये ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो एक चम्मच भर के हमें ले लेना है। ये डाल दिया हमने। यहाँ देखिए, ये है एक चौथाई चम्मच, ये है खाने वाला मीठा सोडा, ये मैं डाल रही हूँ। जिस कप से हमने मैदा लिया था उसी का आधा कप हमें चीनी लेनी है। ये चीनी है, पिसी हुई चीनी है, ये ले लेना है। अब इन सारी सामग्री को हमें छान लेना है। ये सारा छान लिया है हमने। अब ये जो मोटा मोटा दिख रहा है ये सारे शुगर के हैं, ये निकाल देना है हमें। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1/4 कप दही है, ये फ्रेश दही है, खट्टा नहीं होना चाहिए इसके लिए। दही डालने के बाद में इसमें डालेंगे 1/4 कप ही कुकिंग ऑयल है। इसमें कोई स्मेल वगैरह नहीं है, जैसे स्मेल होती है हार्ड वाला कुकिंग ऑयल नहीं है। अब हम डालेंगे 1/2 कप मिल्क है। ये सारी चीज़ें नॉर्मल टेम्परेचर पे ही होनी चाहिए। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स करना है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके की होनी चाहिए, ये देखिए, न ज़्यादा लूज में और न ज़्यादा टाइट, इस तरीके की होनी चाहिए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच 1 टीस्पून है विनेगर, या आप नींबू भी ले सकते हैं। तो 1 चम्मच आप नींबू ले लीजिए, वही टीस्पून है। मिक्स करेंगे अच्छे से। 1 मिनट तक हमने इसे मिक्स किया है और सारा बैटर बहुत अच्छे से स्मूथ हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे ये वनीला एसेंस, क्योंकि वनीला केक बना रही हूँ ना, तो ये मैं 5 से 7 बूंदे डाल दूंगी बस। इससे ज़्यादा मिक्स नहीं करना हमें। ये सारी सामग्री हमने मिक्स कर ली है।
अब जो हमने पतीली तैयार करी थी इसमें सारा हम पलट देंगे। बैटर को हमने डाल लिया है, अब इसे 2 से 3 बार टैप करेंगे जिससे कि इसमें जो एयर बबल होंगे वो सारे निकल जाएंगे। यहाँ पे हमारी कढ़ाई प्रीहीट हो चुकी है तो हम इसमें आराम से, बहुत गर्म है क्योंकि, इसे रख देंगे और इसे वापस से कवर कर देंगे और लो टू मीडियम के बीच में ही रखेंगे हम इसकी फ्लेम को और 40 से 45 मिनट लग जाएंगे इसको बेक होने में। फिर हम चेक करते हैं, 50 मिनट हो गए हैं इसे बेक होते हुए, मैंने बीच में चेक भी कर लिया था, एक बार और देखते हैं। ये देखिए साइड से बिल्कुल ब्राउन हो गया है और एक बार नाइफ डाल के देखते हैं, या आप टूथपिक से भी देख सकते हैं। ये देखिए नाइफ बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। तो अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और ठंडा होने के बाद में बताएंगे आगे क्या प्रोसेसर है, क्या करना है इसका। अब हम इसे निकालेंगे, ठंडा हो चुका है। पहले चारों तरफ से चाकू से थोड़ा थोड़ा कर लेंगे इसे। अब एक प्लेट लेंगे, प्लेट इसके ऊपर कवर करके इसको पलटा देंगे, थोड़ा टैप करेंगे। देखिए कितना अच्छा बेक हुआ है बिना ओवन के। अगर आप ओवन में करना चाहते हैं तो इसे 280 डिग्री पे 30 मिनट तक आराम से हो जाएगा ये। बाकी चेक करते रहिए, बीच बीच में चेक करना होता है, चाहे हम कढ़ाई में बेक करें चाहे हम ओवन में चेक जरूर करना चाहिए। अब हम इसे सीधा करेंगे, देखिए इतना सुपर सॉफ्ट केक, ये देखिए कितना अच्छा तैयार हुआ है। अब हमें इसे ठंडा करना है, फिर इसके बाद में इसके ऊपर क्रीम लगा सकते हैं या कुछ भी डेकोरेट करना है, मैं बताती हूँ आपको। इसको ठंडा करना है अच्छे से। जब तक हमारा केक ठंडा होता है हम इसके लिए स्मूथ सी बढ़िया सी क्रीम बनाते हैं और वो भी घर के ही सामानों से। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 कप दूध, ये है 1 कप और ये 2 कप। अभी हमने कोई उबालना नहीं है, पहले मिक्स करना है सारे सामानों को, इसलिए मैं पैन में नीचे ही रख रखा है मैंने इसे। और ये है 1/3 कप चीनी, इसी में डाल देंगे। अब हम लेंगे 2.5 चम्मच यानी जो टीस्पून है वो 2.5 चम्मच मैदा, 1 चम्मच, ये 2 और 1/2 चम्मच, ये 2.5 चम्मच हमने मैदा डाल दिया। अब सबको अच्छे से मिक्स करना है। जब सब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तब हमें इन्हें पकाना है। इसे गैस पे चढ़ा दिया अच्छे से मिक्स करके सारे सामानों को, और हमें मीडियम पे रखना है इसे, हाई पे नहीं रखना गैस को, और मिक्स करते जाना है और इसे अच्छे से पकाना है। इसी मिश्रण में मैं थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। अगर आपको व्हाइट क्रीम रखनी है तो व्हाइट भी रख सकते हैं, मैं हल्का सा येलो कलर दे रही हूँ। और इसे मिक्स कर देंगे और इसे थिक होने तक पकाएंगे, मैं बताऊंगी कि कितना पकना चाहिए। यहाँ देखिए हम जो ये क्रीम का बैटर बना रहे हैं ये थिक होने लग गया है, ये देखिए। इसे और थोड़ा सा गाढ़ा करना है हमें, चलाते जाना है। और गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है, बस लगातार इसे चलाते जाना है, थोड़ा और गाढ़ा करना है। 15 मिनट हमने लगातार इसे पकाया है और इसकी थिकनेस ऐसी होनी चाहिए, ये देखिए गाढ़ा हो गया है बिल्कुल। जब ये ठंडा होगा तो और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, तो हमें इसका ठंडे होने तक का इंतज़ार करना है। ऐसे हिलाते हिलाते भी आप ठंडा कर सकते हैं या फिर इसे फ्रिज में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, तो ये ठंडी हो जाएगी और गाढ़ी हो जाएगी क्रीम। जब ये ठंडी हो जाएगी तब हम बताएंगे आगे कैसे करना है। ये हमने जो इस केक के लिए क्रीम बनाई थी ये भी ठंडी हो चुकी है और हमारा केक भी ठंडा हो गया है। अब हम केक को बीच से कट करेंगे जिससे कि इसमें हम क्रीम को कर सकें। ये हमने 2 हिस्सों में कट कर लिया है, अब इसे एक साइड में रखेंगे और इसके बीच में जो शुगर सिरप लगाते हैं वो बनाएंगे हम। तो आप चीनी से भी बना सकते हैं, मेरे पास में ऑलरेडी ये सिरप है चॉकलेट सिरप, तो थोड़ा सा मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें पानी में ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने पानी ले लिया है। तो ये शुगर सिरप मतलब लगाना ज़रूरी होता है जिससे कि केक जो है और भी स्मूथ हो जाता है बिल्कुल, और वो सूखता नहीं है जल्दी से।
जब हम उसको फ्रीज में रखते हैं तो वो सूखता नहीं है, इसलिए ये लगाना जरूरी होता है। ये एक हिस्सा ले लिया है हमने, इस पे हम ये शुगर सिरप लगा देंगे या फिर ये जो हमने चॉकलेट का सिरप बनाया है वो लगा देंगे। दूसरा हिस्सा इसके ऊपर वापस रख देंगे हम, और ऊपर से अगर आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, पर ये फ्लैट है इतना ज़्यादा वो मुझे लग नहीं रहा है कि इसको मुझे काटने की ज़रूरत है, तो हल्का सा ऊपर वैसे ही लगा देंगे। ये हिस्सा हटा के हमें ये क्रीम बीच में ऐड करनी है, ये अच्छे से लगा देनी है इसमें। ये वापस से हमने कवर कर दिया है इसके ऊपर, और जो ये बाकी बची हुई क्रीम है वो हम ऊपर से लगाएंगे, अच्छे से कोट करना है। मैं प्रोफेशन में तो नहीं हूँ केक के, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से लेवल कर सकूँ। ये जितना हो सका मैंने इसको चारों तरफ से अच्छे से क्रीम से कोट कर दिया है। अब इसे हम कम से कम 1 से 1.5 घंटे फ्रिज में रख देंगे, फ्रीजर में नहीं फ्रिज में रख देंगे, सेट हो जाएगा ये ऊपर से, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। यहाँ पर जो ग्लेस हमने तैयार किया है ये देखिए बिल्कुल सूख गया है, ये टच भी नहीं कर रही हूँ मैं टच, लेकिन ये लग नहीं रहा है, तो इस तरीके से ये परफेक्ट सूख गया है। अब हम इसके ऊपर ये जो मेरे पास में है चॉकलेट सॉस है, इससे हम डेकोरेट करेंगे। आप जो मर्जी इसके ऊपर डेकोरेट कर सकते हो, मेरे पास में ये अवेलेबल है तो मैं इसी से कर रही हूँ। इसको इस तरीके से मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर, जिससे कि देखने में और भी अच्छा लगेगा। ये हमारा वनीला ग्लेस केक बनके तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी ये केक पसंद आता है तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अगली रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।